क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने स्मार्टफोन में रेडियो चलाना चाहें, अगर हमको रेडियो जो मैन्युअली रेडियो हम चलाते हैं उसे वो हम चलाना चाहें तो उसमें ईयरफोन प्लग इन करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्या हम उसे वायरलेसली नहीं चला सकते कि अगर हम जो अपना रेडियो नॉर्मल खरीदते हैं तो उसमें तो हम बिना किसी वायर की के भी रेडियो चला सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्मार्टफोन होता है उसमें हम ईयरफोन को लगाए बगैर नहीं चला पाते। चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमें आवश्यकता पड़ती, क्यों हमें लगाया जाता है, क्यों और क्यों बिना लगाए हम ऑपरेट नहीं कर पाते, रेडियो का मजा नहीं ले पाते। इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि रेडियो जो होता है वो काम कैसे करता है। दरअसल रेडियो यह काम करता है, जो रेडियो वेव्स वहां पर से स्टेशन से छोड़ी जाती हैं वो रेडियो वेव्स हमारे पास आएंगी और हमारे फोन्स में या किसी भी डिवाइसेस में जहां पर रेडियो हमें ऑपरेट करना है चलाना है वहां पर डिवाइसेस लगे होंगे, मतलब एंटीना लगे होंगे, उससे आईसीज लगे होंगे, सारा कुछ मैन्युअल का सेटअप लगा होगा, तो उसकी मदद से ही वो सिग्नल को कन्वर्ट कर हमें एम्पलीफाई कर हमारे सामने तक देता है। तो लेकिन जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें इतनी बड़ी स्पेस नहीं होती कि हमें एंटीना लगा, क्योंकि जो रेडियो वेव्स होती हैं उसमें जो होते हैं उसके जो वेव्स होते हैं उसके बड़े बड़े एंटीने में ज्यादा अच्छे वर्क कर पाते हैं, क्योंकि जब इतने बड़े अगर आप एंटीना को लगाएंगे छोटे से स्मार्टफोन में तो कहां लगा पाएंगे। इसलिए स्मार्टफोन में रेडियो वेव्स के लिए कोई एंटीने नहीं डाले जाते, उसका सेटअप होता है, उसके आईसीज होते हैं, उसके सारे इक्विपमेंट्स डाले गए होते हैं कि आप उसमें रेडियो चला सकते हैं, क्योंकि रेडियो चलाना कोई एक सॉफ्टवेयर का काम नहीं, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर चलाया जाता है। अगर दोनों टाइप के इक्विपमेंट्स आपके फोन में, आपके सिस्टम में, आपके किसी डिवाइसेस में मौजूद है तब ही आप उसे चला पाएंगे। तो वही बात आकर सामने आती है कि अगर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो आप अगर फोन में रेडियो को नॉर्मली चालू करने का प्रयास करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपके पास सफिशियंट होता है, पर हार्डवेयर में कुछ पार्ट मिसिंग होता है, वही एंटीना वाला पार्ट। तो उस एंटीना को जब स्मार्टफोन ने सोचा कि अगर हम एंटीना इतना बड़ा लगाएंगे तो फोन बल्कि हो सकता है, फोन में हम और इक्विपमेंट्स की कमी करनी पड़े, क्योंकि जो एंटीना होता है या रेडियो एक बहुत ही आम सी चीज हो चुकी है या इसके बहुत अधिक यूज हमें नहीं दिखाई देता, या आशा करते हैं आप भी शायद कभी अपने फोन में रेडियो का यूज करते हो या जहां पर आपका यूट्यूब या नेट पैक ऐसी समस्याएं होती होंगी, अगर नहीं हो तभी आप कर पाते होंगे। वैसे नॉर्मल आदमी सबको यूट्यूब और म्यूजिक के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हो या मेमोरी कार्ड वहां पर म्यूजिक रखा हुआ सुन लेता है, क्योंकि रेडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती। तो स्मार्टफोन कंपनियों ने सोचा कि जो हमारा 3.5 mm जैक होता है उसी में हम उसके एक एंटीना का भी पॉइंट दे दें और जब उसमें ईयरफोन प्लग किया जाएगा तो उससे वो एंटीना का ईयरफोन काम करेगा और उसी से हम पा जाएंगे। और ईयरफोन जो होता है उसमें तो काफी वायर्स होते हैं, तो उसके उसमें जैसे स्पीकर होता है उसमें सर्कल सर्कल राउंड राउंड बना होता है, कॉपर की वायर की वाइंडिंग होती है, छोटी सी वाइंडिंग होती, वाइंडिंग नहीं कर सकते तो उसे क्या बोल सकते हैं, हाँ वाइंडिंग बोले, मतलब छोटी सी पार्ट के सर्कल सर्कल घुमा हुआ लूप होता है, वाइंडिंग के लूप होता है, उसी लूप के मतलब कॉपर का लूप वहां पर लगा होता है, तो उसकी मदद से वो काम करता है एंटीना का, तो वहां से काम हो जाता है। कुछ टाइम पहले ऐसे फोन आए थे 2013-14 के लगभग में कि वायरलेस एंटीना का भी यूज करते थे, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं काम किए, क्योंकि वायरलेस एंटीना मेट्रो सिटी में जहां जहां अच्छी खासी नेटवर्क की सुविधा है, मतलब रेडियो के स्टेशन काफी नजदीक, वहां पर तो काफी अच्छा सफिशियंट वर्क कर पाते, क्योंकि उसमें आप ध्यान दीजिए फ्लैट से छोटे छोटे एंटीने लगाए जाते हैं, तो उसी साइज के अगर रेडियो एंटीने लगा दिए जाते हैं तो वो काम इतने अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि रेडियो वेव्स को कैप्चर करने के लिए आपको बड़े बड़े एंटीने लगाने पड़ेंगे, तो जितना बड़ा एंटीना रहेगा उतना ही आपका अच्छा काम करेगा। इसलिए फोन में ईयरफोन को प्लग करना पड़ता है और आप ज्यादा अच्छे से मजा ले पाते हैं। तो हमने आपको इस वीडियो में समझा दिया कि ईयरफोन्स का क्यों यूज करना पड़ता है हमारे फोन में रेडियो को चलाने के लिए। अगर आपको वीडियो किसी जानकारी या आपको वीडियो किसी काम के लगी हुई है, जानकारी आपको कुछ मिली हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करने के लिए कहना तो नहीं पड़ेगा ना। धन्यवाद।